हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। WTC फाइनल के बाद अब बारी आई है यहां पर इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज की, जहां पर इंडिया वेस्ट इंडीज जाने वाली है और दो टेस्ट मैचेस, तीन ODI मैचेस और पांच T20 मैचेस होने वाले हैं इस लंबे दौरे में। 12 जुलाई से टेस्ट मैचेस की शुरुआत होने वाली है और इंडिया ने टेस्ट और ODI की स्क्वाड अनाउंस कर दी है। और आज इस वीडियो में टेस्ट की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं, देखते हैं यहां पर क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। शुरुआत करें, टीम इंडिया ने जो अभी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करी है वहां पर कुछ नए नाम है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ यशस्वी जायसवाल को भी यहां पर इंडिया का कॉल अप मिला है और बॉलर्स में यहां पर नवदीप सैनी है, मुकेश कुमार का भी नाम है जो दिल्ली कैपिटल्स से अभी खेले थे फिलहाल में IPL, तो यहां पर इंटरेस्टिंग नाम है। और अब क्या ये प्लेइंग 11 में फिट होंगे वो देखते हैं, और आप अपनी प्लेइंग 11 भी नीचे मेरे को कमेंट करके बताना जरूर। शुरुआत करते हैं वीडियो की, यहां पर ओपनर्स से बात करें तो ओपनर्स में यहां पर देखो आपके पास ऑप्शंस तो है, रोहित शर्मा खुद ऑब्वियसली कप्तान ओपनर है, शुभमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल है, ये चारों ओपनर्स है। लेकिन यहां पर चेतेश्वर पुजारा का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो नंबर तीन का जो ऑप्शन है वो खाली है, तो नंबर तीन पे कोई एक बैट्समैन खेलेगा। ओपनर से शुरुआत करें तो ओपनर्स मेरे को नहीं लगता कि कुछ चेंज होने वाला है। फर्स्ट टेस्ट मैच में तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपन करने वाले हैं। नंबर तीन पे गायकवाड़ या जायसवाल, अब दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा, नीचे की प्लेइंग 11 में आपको बताऊंगा अभी। गायकवाड़ और जायसवाल में से कोई एक यहां पर खेलेगा, मेरे को नहीं लगता कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों में से कोई एक भी नीचे डाउन दी ऑर्डर खेलने वाला है। तो आपको नंबर तीन के लिए गायकवाड़ या जायसवाल दोनों में से किसी एक को प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप चेतेश्वर पुजारा का एग्जिट करवा चुके हो। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि चेतेश्वर पुजारा को रेस्ट दिया गया है कि ड्रॉप करा गया है, क्या लगता है आपको नीचे कमेंट करके बताना जरूर। नंबर तीन पर मैं अभी हाल फिलहाल में यशस्वी जायसवाल को पिक कर रहा हूं। गायकवाड़ अभी टेस्ट में आई डोंट थिंक सो, यहाँ पर मैं यशस्वी जायसवाल के साथ नंबर तीन पर जा रहा हूँ। चार पे विराट कोहली खेलेंगे, पांच पे अजिंक्य रहाणे हैं, छह पे ईशान किशन एज ए विकेट कीपर खेलने वाले हैं श्रीकर भारत की जगह, और खेलना भी चाहिए। नंबर सात पे रविंद्र जाडेजा है, आठ पे रविचंद्रन अश्विन की जगह बनती है और वहां पर होना चाहिए, नंबर वन टेस्ट बॉलर है। WTC फाइनल क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अश्विन यहां पर नंबर आठ पे खेलेंगे। नंबर नौ पे शार्दुल ठाकुर, दस पे मोहम्मद सिराज और ग्यारह पर मुकेश कुमार, नवदीप सैनी या जयदेव उनादकट, तीन पेसर्स का आपके पास ऑप्शन है। प्रोबेबली टीम इंडिया मुकेश कुमार के साथ ही जाएगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन भी। अब एक्सपीरियंस तो जयदेव उनादकट के पास भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मुकेश कुमार हाल फिलहाल में अभी अच्छा करते हुए आ रहे हैं, फॉर्म है, तो प्रोबेबली मुकेश कुमार के साथ यहां पर इंडिया जाने वाली है। अब यहां पर सेकंड टेस्ट मैच के लिए मेरे को लग रहा है आराम से कि गायकवाड़ को भी मौका मिलने वाला है, नीचे आप शार्दुल ठाकुर की जगह सैनी या उनादकट दोनों में से किसी एक पेसर को भी जगह देने वाले हो। हो सकता है कि अश्विन या जडेजा दोनों में से किसी एक को रेस्ट दे के अक्षर पटेल भी वहां खेलने वाले हैं, तो काफी ट्राइंग एंड टेस्टिंग वाली ये सीरीज ऑब्वियसली होने वाली है। वेस्ट इंडीज का दौरा है, आपकी क्या प्लेइंग 11 टेस्ट की बन रही है नीचे कमेंट करके मेरे को बिल्कुल से बता देना। ODI की प्लेइंग 11 के ऊपर कल वीडियो आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।